मोहम्मद वकार जी नमस्कार। आपने चैलेंज किया था, आप ग्वालियर में खड़े हैं, हम भी ग्वालियर में हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं, और आपने चैलेंज किया था कि जो लोग ग्वालियर पूरे शहर को आपने चैलेंज किया था कि ग्वालियर शहर में जो है गुलाम ए मुस्तफ़ा का रूल चलेगा, भारत का संविधान नहीं चलेगा, तो हम आए हैं आपके पास में आपका स्वागत करने। आप हमारे मेहमान हैं, आइए, आपका स्वागत है, हमसे मिलिए। हमने आपको बहुत ढूंढा लेकिन आप गांधीनगर गेस्ट हाउस जो आप बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। गांधीनगर गेस्ट हाउस से लेकर हमने सारे आसपास के होटल भी छान लिए लेकिन आपका कहीं पता नहीं चला। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने आपको टैग भी कर दिया इस वीडियो में, तो यदि आप इस लाइव को देख रहे हैं तो कृपया करके जल्दी से हम संपर्क करें क्योंकि हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप ग्वालियर आए, हमारे मेहमान हैं, थोड़ा मेहमान नवाजी का हमको भी मौका दीजिए। आप आए हैं जम्मू एंड कश्मीर से, इस देश की क्या इस धरती पर जन्नत जिसे कहते थे वो भगवान ने आपको दिया, लेकिन आपने उसको क्या कर लिया, बर्बाद कर लिया, आतंकवादी अड्डा बना लिया, और अब आप आए हैं मध्य प्रदेश में ग्वालियर में, यहाँ पर भी जहर घोलने के लिए यहाँ पर आए हैं आप, जहर घोलने दो समुदायों के बीच में। आप चाहते कि यहाँ पर भी माहौल खराब हो, यही आपका एकमात्र उद्देश्य मालूम होता है। बहरहाल आपकी कंप्लेंट एसपी को दे दी गई है, प्रशासन को आपके बारे में बता दिया गया है, आप हमसे खुद से मिल लीजिए, अच्छी बात है, नहीं तो कानून तो आपको ढूंढ ही लेगा, और आपने जो कहा है उसकी सजा भी आपको मिलेगी। बेहतर होगा आप खुद से हमसे मिल लें, हमने बहुत ढूंढा आप नहीं मिले, फिर से आपको बोल रहा हूँ ये वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा, मेहरबानी करके हमसे मिलिए और हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आशा करता हूँ आप मेरे इस वीडियो को सीरियसली लेंगे और जरूर मिलेंगे, बाकी प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, ये था आज का लाइव मोहम्मद वकार जी के लिए, स्पेशली उनका वीडियो मैंने अपनी एक पोस्ट में शेयर किया हुआ है, उस पोस्ट को भी जरूर देखिएगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा कि मुझे लाइव आना पड़ा। शुक्रिया मित्रों। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, मैं वकार अजबटी, इस टाइम मैं 3 बज चुके हैं और मैं ग्वालियर में हूँ। बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का इसलिए है कि कुछ लोगों ने, यहाँ के एक आरएसएस का प्रेसिडेंट है, उसने मुझे धमकी दी थी, थर्ड दिया था कि अगर तुम ग्वालियर आओगे तो तुम यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाओगे। तो मैं उसको यहीं ग्वालियर, उसके ग्वालियर से जहाँ का वो मर्द बना है वहाँ से मेरा वकार भट्टी आए तो उसको हम ठीक करेंगे। तो मैं भाई ग्वालियर में हूँ, जिसको आना है, जिसको मुझसे मिलना है, गांधीनगर गेस्ट हाउस में हूँ। तो मर्द के बच्चे ज़रूर आ जाना, बड़ी बड़ी धमकियाँ देते हो, आतंकवादी ज़रूर आना, मैं आपका इंतज़ार ज़रूर करूँगा। और एक मैसेज ये भी है मेरा इस वीडियो के ज़रिए उन लोगों के लिए जो आरएसएस के और बजरंग दल के वीएचपी के धमकी देते हैं और ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान में रहना है तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, जाओ नहीं बोलेंगे क्या करोगे, उखाड़ ले गए हमारा। हिंदुस्तान में सिर्फ गुलाम ए मुस्तफ़ा चलेगा, भारत में गुलाम ए मुस्तफ़ा था, रहेगा और क़यामत तक चलेगा, जिसको जो करना होगा कर लेना, और हम भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते। ये तुम्हारे ग्वालियर में आके बोल रहा हूँ, तुम्हारी उस धरती पर बोल रहा हूँ जहाँ की तुम राजा महाराजाओं की बात बताते, उसी धरती पर बोल रहा हूँ, 3 दिन यहाँ हूँ। हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें।